नमस्कार किसान भाइयों, ये आप खेत देख रहे हैं और इस खेत में मल्टीप्लायर ज़मीन में भी डाला गया है और स्प्रे भी दो बार हुआ था, बाकी फफूंदी नाशक साथ भी डाला गया था। और हमने इस खेत में काफ़ी मात्रा में रासायनिक खाद कम करके डलवाई है और इसमें मल्टीप्लायर को 3 साल से डाला गया है और पूरे खेत का आप नज़ारा देख सकते हैं। इसमें करीब ये 80-85 दिन का आलू है। इसमें भी हल्की मात्रा में रोग की शुरुआत हुई है कि कहीं कहीं किस पौधे में आप देख सकते हैं इसे हुए। कुल मिला के काफ़ी हद तक कम है औरों के मुकाबले जिनमें मल्टीप्लायर को नहीं डाला गया है, वो हम आपको खेत दिखाएंगे। इसमें तो काफ़ी अभी पौधे हैं और हल्की मात्रा में, जबकि बारिश 3 बार हो चुकी है उसके बावजूद भी पौधा काफ़ी एकदम अच्छे हैं। और मैंने आलू भी आपको दिखाएंगे, आलू का फल भी तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छे साज के पड़े हुए हैं, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए आप साज, ये देखिए, देखिए, ये देखिए आप, काफ़ी बहुत अच्छे साइज के आलू हो गए हैं। और बाकी मल्टीप्लायर का स्प्रे हुआ है और ज़मीन में भी 3 साल से पड़ रहा है, बाकी पूरे क्षेत्र में काफ़ी हद तक रोग लगा हुआ है। और इस खेत में इतना नहीं है, वो तो उम्र के हिसाब से भी पौधे का उम्र के हिसाब से भी पौधे की गई हुई है पत्ती। और आलू एकदम अच्छा है और इसमें रासायनिक खाद को बहुत ही कम मात्रा में औरों खेतों के मुकाबले डाला गया है। फफूंदीनाशक के साथ स्प्रे मल्टीप्लायर को और ज़मीन में भी डाला गया है। और इधर आप ये देख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लायर नहीं डाला गया है, ये कंडीशन इस खेत की है। काफ़ी रोग भी लग चुके हैं और बिल्कुल पौधा समाप्त हो चुका है। और एक इधर एरिया में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बारिश और रोग के कारण।